हेलो दोस्तों, क्या आप भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में फ्रेंच, स्पैनिश एंड जर्मन, अगर आप ये तीन लैंग्वेजेस फ्री में सीखना चाहते हैं तो अभी जाएँ upsdm.gov.in, दैट मीन्स यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसके तहत आप ये तीन लैंग्वेजेस फ्री में सीख सकते हैं। ये कौन कौन स्टूडेंट सीख सकते हैं? ये अभी सीख सकते हैं यूपी के जो ITI कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए अभी फ्री में ये फ्री फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस स्कीम की क्या डिटेल्स हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये स्कीम जो है यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत आई है। इसमें जो भी प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स हैं उनको ये लेटर गया है, जिसमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है, पॉलिटेक्निक्स और ITI शामिल हैं। इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट जो होंगे वो ये फॉरेन लैंग्वेजेस फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेजेस में मैंने बताया फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, ये तीन लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, UPSDM के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो आपके ज़िले में जाएंगे, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो भी ट्रेनिंग सेशन होगा वो 192 घंटे का होगा और ज़्यादातर बनाया था जाएगा कि वीकेंड्स पर ही चलाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके स्टूडेंट्स, आपके जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि आप ये जो लैंग्वेज है उनको सीख कर जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं आप वर्किंग आवर्स के बाहर। ठीक है, इंजीनियरिंग में, टूरिज्म में, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये लोग फ्रांस, कनाडा और अदर जो भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अपनी करियर बना सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग जो होंगे वो सेंटर्स अलग अलग ज़िले में बनाया जाएगा, जैसे लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, झांसी और बांदा। अभी शुरुआत में इन्हीं ज़िलों में इसे स्टार्ट किया जाएगा, इसके बाद ये अदर ज़िले में भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको ये जो वेबसाइट है upsdm.gov.in पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में लिखा आएगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स देंगे, उसके बाद आप सारी एजुकेशनल डिटेल्स देंगे, फिर एक OTP आएगा, उस पर OTP जनरेट करके OTP भरेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के बाद आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर करने के बाद आप अपने जो इंस्टीट्यूट है उसको भी इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप ये तीनों में से कोई लैंग्वेज फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।